Welcome to the part 2 of this live session, and we are just taking ma'am with us. Wonderful session. Thank you, Abhishek ji. Ma'am aa gayi hain. Ma'am. Welcome back to the part 2, Tarang ma'am. Thank you. Now we'll request you, please, aap start karenge kaam. क्या बात है मैम. अभी एक कमेंट था हमारा आपकी आवाज के लिए भी. वाह मैम, आपकी आवाज कितनी मधुर है. वोकलिस्ट राम अवतार जी कह रहे हैं. अरे बाप रे. और पर्सनली आई फाइंड कि आपका टेक्सचर टेक्सचर बड़ा अच्छा है. आवाज का टेक्सचर बड़ा अच्छा है जब व्हेन यू सिंग, तो इट साउंड्स वेरी नाइस. मैं कभी तो गाने का मैम प्रैक्टिस तो नहीं करती हूँ, मगर मेरी एक तो आवाज की रेंज थोड़ी कम लगती है मुझे, मतलब सितार के कंपैरिजन में. तो सितार के सुर में गाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो जैसे जब मैं शुजात खान साहब को सुनती हूँ या बाकी जो हमारे जो काली एक में जिनका नेचुरल सुर है, जो जेंट्स जितने भी हैं, तो उनको जब सुनते हुए गाते हुए बजाती हूँ, बजाते हुए देखती हूँ, तो मुझे थोड़ा एक होता है कि अरे इस सुर में उतना ऊंचा जा नहीं पाऊंगा. लेकिन उसके लिए आप फिर प्रैक्टिस भी कर लो मैम, स्टार्ट रेंज डेवलप हो जाएगी तो साथ में.
मैंने कहा उसके लिए आप वोकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, डेवलप हो जाएगी थोड़ा बहुत, जितना काम चला वो गा लेती हूँ उतना हो जाता है, काम निकल जाता है जब किसी को सिखाना होता है। आप अपने पर्सनल के लिए मतलब अपने अपने लिए गाते हैं घर पे? हाँ हाँ ठुमरी ये सब सितार पे भी क्योंकि बजती ही हैं तो इनको गुनगुनाते रहो तो ही फिर वो, जैसे एक चीज मैंने बहुत बार देखा है कि कोई चीज कोई किसी चीज का एक फ्लो जो है वो गाने पर बहुत माइंड क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कोई एक एक फीलिंग है कि इस तरीके से इन नोट्स को शायद जैसे सारे मा पा दा मा गा रे गा सा नी सा, अब ये मुझे लेकिन इसमें धा से मुझे अगर एक्सप्रेस करना है तब गाने में जब साफ हो जाता है तो बजाने में जल्दी आता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो मैसेज हमारे आज के दर्शकों के लिए रहेगा सबसे मेन, वो यही है कि गाने को पूरा जी के सुन भी ले और गा भी ले ताकि आपका वादन सुधर जाए और उसी तरीके से वो आस मुझे लगता है उसमें जाग जाएगी, जैसा कि आपने मुझे अभी जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया। जी जी मतलब वो एक क्लैरिटी आ जाती है थॉट प्रोसेस में, क्योंकि हमारे पास अब जरूरी नहीं है कि हर बार गा करके ही, लेकिन मैंने ऐसे खुद के लिए ये अनुभव किया है कि जब मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा लगता है कि उतना क्लियर एक्सप्रेशन नहीं है तब मैं एक बार गा लेती हूँ तो फिर वो हाथ से जल्दी आ जाता है, ये मेरा खुद का वैसा है सबके लिए ऐसा। जी 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 तो आई थिंक काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं वापस, लेकिन अब शायद काफी समय भी ले लिया है हमने लोगों का तो वोकलिस्ट राम अवतार जी कह रहे हैं आप लोगों का सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, ये आपके लिए एक कमेंट आया है मैम। जी एक वरुण वरदान भोला जी कह रहे हैं आपके हाथों से तो सितार खुद ब खुद गाने लग गया है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी मैं इस सेशन के एंड के लिए मतलब मैं अब इसको थोड़ा सा हम एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे जैसा कि टाइम बहुत हो चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या ऐसा कुछ हम जान सकते हैं कि अगर आपके अभी तक के सितार करियर में जो काफी सारे मुश्किल मोड़ रहे होंगे उसमें से आपके लिए सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या रहा अभी तक करियर में, मतलब करियर के तौर पे या फिर इन जनरल, मतलब सितार को एक प्रोफेशनल जर्नी के तौर पर देखें यहाँ तक आप जैसे पहुंचे हैं, आप हमारी कंट्री के काफी बेहतरीन वादकों में से एक हैं, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके हाथ में या एक अपने आप में एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए भी जो जो चैलेंज एक इंसान की लाइफ में आते हैं, देखिये आपके लिए अभी तक सबसे टफ। जी हाँ ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों के चैलेंजेस आते हैं मगर वो सब में कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है और उससे हम रिफाइन ही होते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी चैलेंज से। मगर एक जो देखिए मैं अपने मतलब मेरे फैमिली में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है प्रोफेशनल, तो एक जो फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन को जो एक अपना नाम करने में जो स्ट्रगल रहता है वो तो कई लोग आजकल कर रहे हैं, मतलब और ऐसा भी कोई नहीं था जिसमें जिसको पता भी हो कि कौन करता है ये सब संगीत में कार्यक्रम वगैरह कैसे
जैसे तो शुरू में तो खैर हम जब कॉम्पिटिशन वगैरह, मेरे पिताजी जो है वो कहीं पे भी कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता था तो उसमें मेरा नाम डाल के आ जाते थे, और मेरे ऊपर फिर वो पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी कि अब वहां पर फर्स्ट आना है करके, तो वो ऐसा बनता गया धीरे धीरे धीरे, वो एक ना थोड़ा रास्ता, वो कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि अच्छा चलो यहाँ पे फर्स्ट आए तो भी ओपन में, फिर ऐसे ही रेडियो म्यूजिक कॉम्पिटिशन में भी आई थिंक 16-17 साल की उम्र में मैंने वो भरा था, और तब तक के गुरुजी के का ये रिकॉर्ड था कि उनका हर स्टूडेंट जिसने भी ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में भाग लिया था वो सब फर्स्ट आए थे, तो वो भी प्रेशर था बहुत ज्यादा कि अच्छा अब गुरुजी प्रेशर आ गया ने, होगा। हाँ तो भगवान के और गुरुजी के आशीर्वाद से उसमें भी फर्स्ट आ गया, तो एक चलो ऐसा लगा कि चलो ठीक है। तो शायद उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने थोड़ा एक, और उस वक्त हमारे यहाँ साउथ सेंट्रल जोन करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वो भी कंपटीशन कम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो वहां पर थोड़ा एक मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर एक कार्यक्रम के मॉडल में आपको कंपटीशन, जो जजेस हमें दिखते भी नहीं थे वो ऑडियंस में ही बैठे रहते थे, तो वैसा एक मॉडल था जिसमें भी मुझे तब मैं जीती थी, तो उस वजह से एक एंट्री पॉइंट मिल गया था मेरे लिए। मगर फिर क्या हुआ कि मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर मुझे अमेरिका जाना पड़ा, तो अमेरिका में उस वक्त इतना ज्यादा इंटरनेट का मतलब था, तो शुरू तो हो चुका था लेकिन मुझे इतनी आदत नहीं थी, आप कह सकते हैं कि जी यूट्यूब वगैरह उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो वो और एक वो थोड़ा सा एकदम से शिफ्ट हो जाता है जो, क्योंकि मैं पढ़ाई भी मैंने भिलाई में ही रह करके पढ़ना चाहा था कि मुझे गुरुजी से मतलब संगीत के अपनी शिक्षा से दूर नहीं होना था, तो और एकदम से जब उतनी दूर गए तो मैंने एक चीज उस वक्त मुझे इनफैक्ट अभी भी याद है कि मैं हर साल 4-4 महीने यहाँ आती थी और यहीं रहती थी, मतलब इंडिया में जो म्यूजिक सीजन होता था उसमें, तो वो एक मैंने कोशिश की जरूर, वो एक मेरे लिए बहुत, और मुझे बाद में एक बार उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने भी मुझे ऐसे ही कहा था कि अभी उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम सुना था जो अमेरिका में मैंने बजाया था, तो उस वक्त उन्होंने ऐसे ही पूछा था कि तो आप यहाँ रहती तो हैं लेकिन ये जरूर करना कि हर साल इंडिया जाना और हो सके तो सेम समय पर जाना, तो लोगों को ये आदत रहेगी कि उनको दे कैन एक्सपेक्ट यू कि इस समय में आप वहां क्या बात रहेंगी है। ऐसा, तो ये मैंने इसको गांठ बांध दी और इस चीज को मैंने बहुत साल, करीब 10-12 साल, हर साल नवंबर से मार्च तक मैं इंडिया में होती थी गुरुजी से सीखना और इधर उधर जहाँ पे भी थोड़े बहुत कार्यक्रम करना ये करती थी, तो इस तरीके से थोड़ा चैलेंजिंग रहा, ये हो सकता था कि अगर एक स्टेडीली एक ही जगह पर रहते, और उसके अलावा भी जो एक और चैलेंज जिसे हम कह सकते हैं इवन इन अमेरिका, ऐसा कोई नहीं था कि मेरी एक जगह थी, जैसे हम वहां पर भी बहुत शिफ्ट मूव होते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो एक जो जी एक बेस बना करके एक वहां से थ्राइव करना ये एक लैकिंग था मेरे पूरे करियर पाथ में, तो उसकी वजह से कोई भी चीज को शुरू करने में, जैसे वहां पर मान लीजिए कोई मैं किसी चीज का शुरुआत कर सकूं या कोई वैसा वो परमानेंट वो नहीं मिल पाता था, तो उसकी उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ, मगर आई थिंक उसके भी अपने बेनिफिट्स रहे होंगे या जो भी होंगे, तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है कहते हैं, सो कुछ ना कुछ भला हुआ ही होगा। जी डेफिनेटली। वो मैम एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे तो ओवरऑल मुझे लगता है मतलब जो अगर सही में नहीं होना होता वो भी अच्छा हो जाता है अगर हम पॉजिटिविटी लेकर जी चलते हैं तो। वो आपका क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और इसी के साथ मैम मैं रियाज रूम के साथ इस सेशन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे जितने भी दर्शक हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दिया है आकर, और इसके लिए रियाज रूम की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आशा करता हूँ फ्यूचर में हम फिर से कुछ लाइव सेशंस करेंगे और हम एक कुछ नई चर्चा और हमारे दर्शकों को कुछ नया आपके साथ डिस्कस जरूर करने को जरूर, मिलेगा। मुझे जी भी मैम बहुत थैंक खुशी हुई, आप यू लोग सो बहुत मच। अच्छा काम कर रहे हैं और आपका चैनल बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो इतना कुछ कर रहा है वो एक बहुत क्रेडिबल चीज है, आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा,
क्योंकि क्लासिकल को इन इट्स ऑथेंटिक फॉर्म, इन इट्स ओन, मतलब एक ओरिजिनल फॉर्म में इस तरीके से प्रमोट करना बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं. तो आप इसको कर, और आपके जो स्लोगन्स और छोटे छोटे जो क्विजेस, ये सब भी बहुत अच्छे, वेल थॉट ऑफ हैं. तो आई रियली एंजॉय देम. सो प्लीज कंटिन्यू द थैंक यू गुड सो मच मैम. वर्क. थैंक जी. यस मैम, डेफिनेटली. थैंक यू थैंक सो यू. मच मैम. आपके बहुत अच्छा सेशन था आपके इट्स अ साथ, और इसी प्लेजर. के साथ हमारे सारे दर्शकों को आज के सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं. थैंक यू सो मच.